नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की एक तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में गिरावट बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद्य तेलों का बाजार है उसमें गिरावट आने से सरसों के तेल में भी गिरावट है और सरसों दाना में भी गिरावट है। नरमा कपास का बाजार स्टेबल सा चल रहा है और ग्वार का बाजार भी अभी ठहरा हुआ है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार में आज 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी है। जयपुर का बाजार 50 रुपए टूटा है, 6,775 रुपए का स्तर रह गया है और भरतपुर का बाजार 6,431 रुपए सुबह खुला था लेकिन अब भाव 50 रुपए से अधिक टूटा हुआ सुनाई दे रहा है। लेकिन बाजार में अब आगे की जो चाल है वो मैं कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों के बाजार के अंदर अब बड़ी तेजी की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे बाजार अब क्या कहते हैं गिरावट की तरफ ही बढ़ना चाहिए, डाउन ही जाना चाहिए। थोड़ी बहुत मजबूती अगर मिलती रहेगी तो वो सिर्फ सरसों तेल की अगर मांग निकलेगी। सर्दी के मौसम से हमें उम्मीद की जा सकती है कि सरसों तेल की थोड़ी बहुत मांग निकलती रहेगी और सरसों के निचले भावों को थोड़ी मजबूती मिलती रहेगी। इससे ज़्यादा अब सरसों के अंदर कोई तेजी की संभावना कम से कम मुझे नहीं लगती है। अब आपके भी थोड़ी सी और बढ़ेगी, जिन्होंने माल अभी तक रोका हुआ था वो शायद अब निकालने की कोशिश करेंगे और आगे आगे थोड़ा जैसे जैसे हम दिसंबर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सरसों की बिजाई का जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमने अपने दैनिक खेत खजाना डेली बुलेटिन में बड़े क्लियर से लिखा है कि इस बार बिजाई बेशक बढ़ सकती है 5-7%, लेकिन उत्पादन बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि दिसंबर आ गया है और दिसंबर आने के बावजूद जो दिन का तापमान है वो 26-27 नहीं पहुंचा है, अभी भी इससे ऊपर है और ये जो तापमान ऊंचा रहता है इससे सरसों की फसल खराब होती है। तो कुल मिलाकर के सरसों का उत्पादन बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और बाजार भी अब तेज होने की गुंजाइश कम है। नरमा कपास का बाजार ठहरा हुआ है, 8,700 रुपए से लेकर के 9,000 रुपए तक का कारोबार उत्तर भारत की मंडियों में हो रहा है। लगभग यही स्थिति दूसरी मंडियों के अंदर है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, कहीं हो। कुल मिलाकर के कॉटन बाजार में अब हम ये कह सकते हैं कि आवकें सुधर नहीं रही हैं, लेकिन आगे रुई की मांग भी कमजोर है। रुई की मांग जब तक नहीं सुधरेगी, रुई का भाव जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक नरमा कपास का बाजार इतनी जल्दी से रफ्तार नहीं पकड़ेगा। हालांकि लगता यह है कि नए साल के अंदर हमें नरमा कपास के कुछ भाव में अच्छा सुधार दिखाई दे सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि पंजाब हरियाणा के अंदर नरमा कपास की फसल लगभग समाप्त है। 1/4 हिस्सा, यानी पिछले साल अगर 100 क्विंटल गेहूं नरमा डेली आता था तो इस बार 25 क्विंटल नरमा पंजाब की मंडियों में आवक हो रही है, ये स्थिति है। ग्वार बाजार ठहरा हुआ जरूर है लेकिन जो वायदा बाजार के कारण उठापटक हो रही है, हाजिर मंडियों के अंदर आवक नहीं है। 37-38 हजार की आवक हो रही है, इससे ज्यादा की आवक नहीं हो रही है, इसलिए बाजार थोड़ा सा ठहरा हुआ है लेकिन बाजार में अच्छी तेजी बनेगी, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों आज भरतपुर खुला था 6,431, अब सुनने में आ रहा है कि 6,380-75 रुपए के आसपास कारोबार रह गया है। जयपुर 6,775 रुपए का भाव है, दिल्ली 6,650, दादरी 6,600, सलोनी 50 रुपए और टूटा है आज 72-72.50 रुपए, ग्वालियर 6,300 रुपए, गंगापुर 6,450 रुपए, हिसार 6,350 रुपए, बरवाला 6,250 रुपए, नड़वई 6,431 रुपए, गंगानगर 6,443 रुपए, गोलूवाला 6,278 रुपए, नोहर 6,220 रुपए, अबोर 6,095 रुपए, सिरसा में 6,086 और आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा है 6,230 रुपए। नरमा आज गंगानगर में बिका है 8,881, पीलीबंगा में 9,061, गोलूवाला में 8,900 पूरा, सूरतगढ़ में 9,020, विजयनगर में 9,100, अबोर में 8,800, एलनाबाद में 8,603, सिरसा में 8,660, आदमपुर में 8,700। देसी कपास आज एलनाबाद में बिकी है 9,931 रुपए, सिरसा में 9,700 रुपए। ग्वार आज गोलूवाला मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए, श्री विजयनगर में 5,971 रुपए, सिरसा में 5,671 रुपए। आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।